नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त हम करकरडूमा में हैं और यहां नेशनल न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया NAI के तरफ से आज एक और मेंबर को संस्था में शामिल किया गया है और ये मेंबर हैं KP सिन्हा जी। सिन्हा जी से जानेंगे क्या कुछ इनके जुड़ने से और पत्रकारों को फायदा मिलने वाला है, चूंकि ये संस्था जो है वो पत्रकारों के लिए काम करती है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सिन्हा साहब। धन्यवाद। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल द एसोसिएट्स ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ एसोसिएशंस ऑफ इंडिया। मैं आप सबों को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि आप अपने साथ काम करने का मौका दिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मेरे द्वारा NAI के नेशनल एडवाइजर के रूप में कार्य करने की, योगदान देने की बात है, तो यह मैं बताना चाहूँगा सबसे प्रथम कि ये जो संस्था है, जानकारी हमें मिली है कि यह संस्था पिछले 27 वर्षों से पत्रकारों के हित के लिए, उनके अफेयर्स के लिए काम कर रही है। और मेरा भी यह योगदान होगा या सहयोग होगा कि हम समस्त पत्रकारों को उनके सुख और दुख में हमेशा उनके साथ खड़े हों। सड़क से संसद तक हम उनके साथ होंगे। मैं देश के समस्त पत्रकारों को एक बात सलाह देना चाहूंगा कि आपके पास कोई भी समाचार या कोई भी खबर आती है तो आज जो देखने में मिलता है कि हम मीडिया ट्रायल स्टार्ट करते हैं, तो मीडिया ट्रायल स्टार्ट करने के पहले यह जरूरी है कि हम किसी भी समाचार का सत्यता की जांच कर लें। सत्यता की जांच करने के बाद ही उसके बारे में कुछ बोले, कुछ आगे की कार्रवाई करें। एक एक बड़ा बिग प्लेटफॉर्म आजकल सोशल मीडिया का चला हुआ है। हाँ। यानी कि जिसके हाथ में मोबाइल है वो पत्रकार है। बिल्कुल। आप क्या अपील करेंगे, खासकर सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोग डाल देते हैं कोई भी भ्रामक चीजें, तो ऐसे में क्या अपील आपकी रहेगी? आप इस संस्था से जुड़ रहे हैं तो पत्रकारिता में और स्वच्छता लाने के लिए क्या कुछ आपका मिशन रहेगा? मैंने अभी तुरंत कहा है कि आप किसी भी प्रकार की खबर, चाहे वो सोशल मीडिया पे आए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आए या प्रिंट मीडिया में आए, छपने से पहले, प्रचार प्रसार होने से पहले उसी का, उसका विधिवत उसका जांच करें और जांचोपरांत अगर सत्यता होती है तो ही आप आगे बढ़ें। भ्रामक खबरों का साथ न दें। समाज हित में, देश हित में यह अत्यंत आवश्यक है कि हम किसी भी प्रकार का भ्रामक खबर का प्रचार प्रसार न करें। अच्छा, आपको क्या पद दिया गया है इसमें? मैं इसमें न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया में नेशनल एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया हूँ। तो आज KP सिन्हा जी को NAI ने अपने संस्थान से जोड़ा है। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी विपिन जी हैं। विपिन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल न्यूज 24 में। सवाल एक मेरा आपसे रहेगा, जिस तरह देखते हैं आजकल भूमिका हो गई है पत्रकारों की भी, कोई खबर कभी चल जाती है और बाद में माफीनामा आ जाता है, आप क्या कहेंगे इस संदर्भ में? और KP सिन्हा जी जुड़े हैं, उनके लिए क्या आपका? पहले तो मैं KP सिन्हा साहब को बधाई देता हूं कि वो राष्ट्रीय सलाहकार हमारे न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हैं और वो नेशनल कमिश्नर हैं स्काउट्स एंड गाइड्स के। तो दोनों संस्थाएं मिलके कुछ ना कुछ नया जरूर करेंगी। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं कि देश में हालत ये हो गई है कि आपने बड़ा सही सवाल किया था कि जिसके हाथ में मोबाइल है हर इंसान समझता है कि वो पत्रकार बन गया है। कई सारे पत्रकार ऐसे होते हैं जिनकी खबरें लगती नहीं है और कई बार ऐसा होता है जिनकी खबरें लग जाती है उनको माफीनामा देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सत्यता की जांच नहीं करते हैं। दूसरी बात ये है कि आजकल देखा होगा आपने कि कई प्रोग्राम चल रहा है और 20-25 पत्रकार आपस में मित्र हैं, तो उनमें से 4-5 पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि आप जो खबर बनी है या आपने वीडियो बनाई है या खबर लिखी है वो आप हमें भेज दीजिए, हम उसको अपने तरीके से चला देंगे। और वो क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली आगे भेज देते हैं।
वो खुद नहीं पढ़ते, एक अगर वो खुद एक बार पढ़ ले शायद पता चले कि गलत है या सही है, तो आगे भेज देते हैं और वो खबर छप जाती है। उसके बाद क्या होता है, परेशानियां शुरू हो जाती हैं। देखिए पहले के जमाने में मेरे को अभी याद है, मेरे फादर मेरे पिताजी वो भी पत्रकार थे, और जिस समय वो न्यूज़पेपर निकाला करते थे मैं बहुत छोटा था, तो अगर मुझे आज भी याद है किस तरीके से पेपर निकाला जाता था। खबरों को एक बार नहीं कम से कम 10 बार पढ़ा जाता था और मात्रा देखी जाती थी। आजकल देखिए ना, हमारे समाचार पत्रों में इतनी सारी मिस्टेक्स होने लग गई है, मात्राओं की गलतियां, और लैंग्वेज देखिए ना कि एक इंग्लिश हो गया, पहले हिंदी बोला जाता था अभी इंग्लिश हो गया है, कि कुछ शब्दों को तो ऐसे लिखा जाता है कि वो इंग्लिश के शब्द होते हैं उसको हिंदी में लिख दिया जाता है। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाले जो भी लोग हैं या जो भी लोग पत्रकारिता में हैं, उनको सबसे पहले तो ये एक हमेशा अपनी खबर बनाने से पहले या उसको पब्लिश या ऑन एयर करने से पहले देखना चाहिए कि खबर वास्तविकता में सही है या नहीं है। और जो प्रिंट मीडिया में है, देखिए प्रिंट के ऊपर आज भी देश जो है भरोसा करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आपको खबर एक बार चलेगी फिर बंद हो जाएगी, आप उसको लिंक पे दे सकते हैं या बार बार वो रिपीट नहीं होगी, बट न्यूज़पेपर में छपी हुई खबर को संसद तक ले जाया जाता है, उसको संसद में उछाला जाता है कि ये खबर समाचार पत्र में छपी है, तो उसकी जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है। तो प्रिंट मीडिया के जितने भी मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे मित्र हैं, तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आप खबर छापने से पहले जरूर एक बार पढ़ा करें कि वो खबर सही या गलत है। तो सोशल मीडिया और मीडिया जो भी काम कर रहे हैं, कई सारे लोग होते हैं अफवाह फैलाने के लिए सोशल मीडिया पे कुछ भी डाल देते हैं, तो वो लोगों को बैन करना चाहिए। हमारी पॉलिसीज जो है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से बननी चाहिए कि कोई भी गलत खबर या कोई भी इस तरह की खबरों को लगाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर जो है काफी अच्छे हैं, बहुत सब्सक्राइबर है आपके पास, हमारे हिंदुस्तान में हम लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून देश के अंदर आना चाहिए। बिल्कुल, जिसके ऊपर मैंने कुछ समय पहले आरटीआई भी लगाई और क्वेश्चंस भी डाले, तो उनका रिप्लाई एक ही आता है, हमारे यहाँ पर सिटीजन जो बिल है, सुरक्षा बिल है, नागरिक सुरक्षा बिल है, उसी के अंदर पत्रकार भी आते हैं। पर हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि पत्रकारों का सुरक्षा बिल आना चाहिए, जिससे कि पत्रकार निर्भक होकर पत्रकारिता कर सके। नहीं तो आज आपको पता ही है कि आप सरकार के खिलाफ या किसी माफिया के खिलाफ कोई खबर लिखते हैं, उसके बाद जो है अक्सर देखा गया है कि उसकी डेड बॉडी कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो इस चीजों को रोकने के लिए ये बिल जो है बहुत जरूरी है, और हम और भी संस्थाओं से बात करें कि हम लोग सब मिल के इस बिल के लिए कुछ अच्छे जो पॉइंट्स हैं उनको तैयार करें। बिल्कुल, तो हम बात कर रहे थे एनआईए के जनरल सेक्रेटरी साहब से, और इनका कहना है कि हमारी संस्था अब पत्रकारों के हक की लड़ाई लड़ने जा रही है, और सवाल सरकार से सिर्फ ये है कि जिस तरह वो बाकी संस्थानों के लिए बाकी जगह कार्यरत लोगों के लिए कानून बना देती है, वैसे ही पत्रकारों के लिए, चूंकि चौथा स्तंभ है और हमें खबरें दिखानी होती है, हर तरह की खबर हम दिखाते हैं, इसके लिए जरूरत है पत्रकार सुरक्षा कानून बने, ये इनकी मांग है। और आज खुशी की बात यह है कि संस्था से केपी सिन्हा साहब जुड़े हैं, जो स्कॉट गार्ड के नेशनल कमिश्नर भी हैं, तो आने वाले समय में संस्था और भी आगे मुकाम पर काम करने वाली है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं अभिषेक कुमार, मोबाइल न्यूज 24, दिल्ली।